इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। जी हाँ, इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है। कांति बम को कांग्रेस ने पहली बार उम्मीदवार बनाया था, वे पेशे से कारोबारी है। बता दें कि नामांकन फॉर्म भरने के दौरान अक्षय कांति ने खुलासा किया था वे 14 लाख की घड़ी पहनते हैं। उनके पास पत्नी को मिलाकर करीब 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दरअसल विधानसभा चुनाव में इंदौर में किसी भी सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी। बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई भी नहीं था। इसके बाद पार्टी ने अक्षय कांति पर दांव लगाया था। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अक्षय कांति बम लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। वहीं आज नामांकन वापस लेने का आखिरी वक्त था। कलेक्टर जाकर अक्षय कांति बम ने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। ऐसे में सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस के साथ खेला होते हुए नजर आ रहा है।